हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे बटरफ्लाई मूवी को। ये साल 1982 में रिलीज हुई थी। ये बहुत ही ड्रामेटिक और रोमांटिक मूवी है जो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हॉट सी और बहुत सुंदर लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम केडी होता है। और यही लड़की इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है जो कि इस समय एक सुनसान रोड पर खड़ी हुई है और लिफ्ट मांग रही है। पर तभी एक मालगाड़ी वाला इसको लिफ्ट दे देता है। जब केडी गाड़ी में बैठी हुई थी तो ये ट्रक ड्राइवर केडी को घूरता है और धीरे धीरे उसकी जांघों पर हाथ रख देता है जिससे केडी समझ जाती है कि ये क्या चाहता है। फिर केडी भी उसको सीरियस करने का बहाना करने लगती है और सीरियस करते करते उसके जूते खोलकर बाहर फेंक देती है और उसकी पैंट भी उतार देती है। और तभी मौका देखकर गाड़ी से उतरकर अपना बैग लेकर भाग जाती है और गाड़ी ड्राइवर उतर के चिल्लाता रहता है। पर तभी केडी एक पहाड़ी पर पहुंचती है और उसे वहां से एक घर दिखाई देता है। पर जब वो उस घर के पास जाती है तो वहां उस घर का ऑनर नहीं होता, इसलिए वो घर के बाहर ही बैठ जाती है। फिर तभी वहां उस घर का ऑनर आता है और उस ऑनर का नाम जैस होता है। जिसके बाद जैस केडी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहां कैसे बैठी हो। पर तभी केडी जैस के साथ फ्लर्ट करने लगती है जिसके बाद जैस केडी को वहां से जाने को बोलकर आगे चला जाता है और जाकर के अपनी गाय का दूध निकालने लगता है। और केडी भी बजाय वहां से जाने के जैस के पीछे जाकर उससे बात करने लगती है और गाय का कच्चा दूध पीने लगती है। दरअसल जैस यहाँ एक सिल्वर माइन फैक्ट्री की देखरेख करता है और जैस की बीबी गैल मॉर्गन जो इसे पिछले 15 साल पहले ही छोड़ के जा चुकी थी और वो अपने साथ जैस के 2 बेटियों को भी ले गई है। जिसके बाद केडी घर के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और जैस को वहां खड़े होकर अपना नाम बताती है और अपना बैग लेकर घर के अंदर चली जाती है। और बातों की बातों में जैस को पता चल जाता है कि केडी उसी की बेटी है तो इसलिए वो उसे घर के अंदर ही जाने देता है। और फिर रात को जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो केडी बातों बातों में उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम भी कुछ अपने बारे में बताओ। जिस पर केडी बोलती है कि मेरी माँ प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और मैं भी मेरे स्कूल के दिनों में एक लड़के से प्यार कर बैठी थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और अब मेरा 2 महीने का बेटा भी है और जिस वजह से मुझे आसपास के लोग ताने मारने लगे और मुझे अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। पर जैसी सब सुनकर केडी को बोलता है कि तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ। पर केडी जैस को मना लेती है और जैस मान भी जाता है। और जब रात को केडी सोने के लिए ड्रेस चेंज करती है तो जैस केडी की पर्दे पर परछाई देखता है और उसे साइड की विंडो से भी देखने की कोशिश करता है। फिर अगले मॉर्निंग में केडी सिल्वर माइन फैक्ट्री के पास खड़ी होती है तभी जैस उसे देखकर फिर अगले दिन जैस जब घर के बाहर खड़ा होता है और तभी उस गाड़ी में से केडी उतर के आती है तो जैस पूछता है कि वो गाड़ी किसकी थी और उस गाड़ी में कौन था। तो केडी बोलती है वो मेरे फ्रेंड का भाई था जो मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था। और जिसके बाद रात को जैस केडी के रूम में जाता है और अब केडी चर्च वाली बात की वजह से जैस से गुस्सा थी तो इसलिए वो उससे बात नहीं करती। पर जैस केडी को मनाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ रह सकती हो जब तक तुम चाहो और वो ऐसी हरकत अब दोबारा नहीं करेगा। और तभी जैस केडी को बताता है कि वो कल से दोबारा माइन में खुदाई शुरू करेगा और ये सुनकर केडी बहुत खुश हो जाती है। और तभी दोनों धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं पर केडी खुद को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन दोनों हमें माइन में खुदाई करते हुए दिखाई देते हैं पर उस दिन उन दोनों को कुछ नहीं मिलता और शाम को घर आ जाते हैं। और घर आते ही केडी बहुत थक जाती है तो इसलिए वो जाकर लेट जाती है जिस पर जैस बोलता है कि आओ नहा लो मैं पानी गर्म कर देता हूँ फिर उसके बाद सो जाना। जिसके बाद केडी जैस के सामने ही कपड़े उतार कर टब में बैठ जाती है और जैस से बोलती है कि मेरी जरा मसाज कर देना। और जैस केडी की मसाज करते हुए केडी में खो जाता है पर तभी जैस आगे बढ़ता वो उससे पहले अपना हाथ हटा लेता है। पर तभी केडी बोलती है प्लीज करते रहो मुझे अच्छा लग रहा है। पर जैस मना करते हुए बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता तुम मेरी बेटी हो। पर केडी बोलती है मैं एक औरत भी हूँ। और फिर अगले दिन वो दोनों माइन में खुदाई कर रहे होते हैं जहाँ इन्हें इस बार बहुत सारी चांदी मिलती है और ये दोनों काफी खुश थे। जहाँ खदान के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है जो उनकी सारी बातें सुन रहा था और उन्हें देख रहा था। जिसके बाद केडी और जैस दोनों ही बेचने के लिए बाजार जाते हैं पर तभी केडी जैस को एक शॉप के बाहर गाड़ी रोकने को बोलती है और बोलती है कि मैं जब तक कुछ शॉपिंग कर लूं तुम चांदी बेच के वापस आओ। पर जब जैस चांदी बेचकर वापस आता है तो केडी उसे वहां नहीं मिलती और वो दुकानदार जैस को बताती है कि केडी सामने वाले पब में गई है जहां जाकर वो केडी को एक आदमी के साथ डांस करते हुए देखता है। और कुछ देर तो जैस भी बैठकर केडी को देखता है लेकिन जब काफी देर हो जाती है तो जैस केडी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है। पर केडी घर जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं आज इनके साथ जाऊंगी मेरा भी कभी कभी खुश रहने का मन होता है। पर केडी जैस की नहीं सुनती और वो जाने लगती है लेकिन तभी जैस बोलता है मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। फिर केडी मान जाती है और जब ये दोनों घर जाने लगती है पर तभी पब के कुछ लोग जैस को मारने लगते हैं और ये देखकर केडी भी लड़ाई में कूद पड़ती है और वो दोनों मिलकर उन दोनों को पब से बाहर निकाल देते हैं। और इस लड़ाई के बाद इन दोनों को कोर्ट जाना पड़ता है। दरअसल इनकी लड़ाई एक पुलिस केस हो गया था तो इसलिए इन्हें कोर्ट में कुछ डॉलर का फाइन लगता है। जिसके बाद ये घर आते समय दोनों गाड़ी
गाड़ी में बहुत मस्ती करते हुए आते हैं और घर आते ही केडी देखती है कि उसकी बड़ी बहन जैनी आई हुई है और वो अपने साथ केडी के 2 महीने के बेटे को भी लाई होती है। जिसके बाद केडी जैस को अपने बेटे को दिखाती है पर जैस केडी पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन रात को जैस केडी के बेटे को खिलाता है तभी उसकी नजर उसके पेट पे बनी एक निशान पर जाता है और तभी जैनी उस रूम में आकर केडी को बताती है कि बॉस तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है और इसलिए वो तुम्हें कल लेने आ रहा है। फिर अगले दिन बॉस जब केडी को लेने आता है तो केडी उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी, जाओ यहाँ से चले जाओ। फिर लास्ट में बॉस के प्यार के सामने केडी मान जाती है जिसके बाद वो दोनों जैस के पास जाते हैं और बॉस जैस से माफी मांगता है तो जैस बॉस को माफ भी कर देता है। और तभी रात को बॉस सबको बताता है कि केडी और मैं हम दोनों 2 दिन में शादी करने वाले हैं। और तभी जैस को एडलैम आते हुए दिखाई देता है जिसे देखकर वो तुरंत अपनी बंदूक लेकर आ जाता है क्योंकि इन दोनों में काफी लड़ाई थी। जिसके बाद एडलैम गाड़ी से उतरकर जैस को मनाने की कोशिश करता है पर जैस नहीं मानता। जिसके बाद एडलैम गाड़ी से मॉर्गन को उतारता है मतलब जैस की वाइफ को, जिसे देखकर वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। दरअसल वो लोग केडी से मिलने आए थे और अब मॉर्गन की तबीयत काफी खराब रहती थी तो इसलिए उन लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था और पकड़ के ही उसे अंदर भी ले जाते हैं। जिसके बाद एडलैम मॉर्गन से मिलने उसके रूम में जाता है तो तभी उन दोनों के बीच कुछ बात होती है और मॉर्गन सुई से एडलैम पर हमला कर देती है तो तभी एडलैम मॉर्गन को जान से मार देता है। फिर अगले दिन अंतिम संस्कार के दौरान जैस को आभास होता है कि एडलैम को खदान के बारे में पता चल गया है तो इसलिए जैस अपनी गन लेकर माइन की तरफ भागते हुए दिखाई देता है और वहां जाकर देखता है तो एडलैम खदान खोद रहा था और इन दोनों के बीच काफी बहस चलती है तो तभी जैस की नजर एडलैम के पेट पे बने एक निशान पर पड़ती है और ये निशान बिल्कुल केडी के बच्चे के पेट पे बने निशान की तरह था तो इसलिए जैस समझ जाता है कि वो बच्चा बॉस का नहीं बल्कि एडलैम का ही है और इसीलिए मॉर्गन भी एडलैम को मारना चाहती थी और जैस तभी उसे गोली मार देता है। पर मरते मरते एडलैम जैस को बताता है कि ये निशान लड़कों पर ही आता है और केडी तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है तो इसलिए उसके बेटे पर भी ये निशान है और उसकी लाश को गहरे खदान में फेंक देता है। जिसके बाद जैस बॉस के घर जाता है और उसको बताता है कि जो केडी का बेटा है वो असल में तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि वो एडलैम का बेटा है क्योंकि उसके पेट पर जो निशान है वही निशान एडलैम के पेट पर भी है। दरअसल जैस बॉस और केडी के बीच में ये आग इसलिए लगाता है क्योंकि अब जैस केडी को पूरी तरह पाना चाहता है क्योंकि वो समझ चुका है कि केडी मेरी बेटी नहीं बल्कि एडलैम की बेटी थी। फिर अगले दिन केडी और बॉस की शादी होती है तो इसलिए केडी भी दुल्हन वाले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़े होकर बॉस का इंतजार करती है पर बॉस उसे लेने नहीं आता जिस वजह से जैस काफी दुखी हो जाती है। फिर रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो तभी जैस केडी की जांघ पर हाथ रखता है जिसके बाद जैस केडी को बताता है कि हम कल से खदान में दोबारा खुदाई शुरू करेंगे जिस पर केडी काफी खुश होती है। फिर अगले दिन जब वो दोनों खदान की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में केडी गिर जाती है और जैस उसे उठाने की कोशिश करता है पर तभी केडी जैस को भी गिराकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए मॉक देख लेता है और खदान पहुंचकर पूरी तरह से एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। और फिर अगले दिन जब वो दोनों खदान से चांदी निकाल रहे होते हैं तो तभी पुलिस आकर जैस को गिरफ्तार करने को बोलती है। पुलिस वाले से पूछता है कि मेरा गुनाह क्या है जिसमें पुलिस वाला जैस को बताता है कि तुम अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हुए हो और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा करना नेचर के खिलाफ है और एक क्राइम भी है। जिसके बाद अगले दिन कोर्ट में मॉक गवाही देते हुए दिखाया जाता है जिसकी गवाही सुनकर जज बोलता है कि तुम दोनों ने हमारे देश का लॉ तोड़ा है इसलिए तुम दोनों को सजा होगी। और ये सुनकर जज बोलता है कि इसमें केडी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि केडी बच जाए। और जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाने वाला ही होता है तो तभी जज चिल्ला उठता है और बोलता है कि केडी मेरी बेटी नहीं बल्कि एडलैम की बेटी है और ये साबित करने के लिए जज बोलता है कि केडी के बच्चे के पेट पर जो निशान है एडलैम और मॉक के पेट पर भी है। दरअसल मॉक एडलैम का ही भाई था तो इसलिए वो मॉक की शर्ट फाड़ के मॉक के पेट पे बने निशान को सबको दिखा देता है और इससे साबित हो जाता है कि केडी जैस की बेटी नहीं बल्कि एडलैम की बेटी ही थी। जिसके बाद वो दोनों बातचीत बरी हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद बॉस केडी को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है और इस तरह ये मूवी यही एंड हो जाती है।